खान साहब ने अगर इस पे ज़िद पे कायम रहे हैं मतलब जो उनका क्लैश हुआ है इस्टेबलिशमेंट के साथ हुँ. और और ये सारा मेरा ख्याल है उनका उनका जो हाउस ऑफ कार्ड सा है इसमें खान साहब की दो तीन बड़ी मेजर चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया या उनका ख्याल था कि मुझे राइट है मैं टीम में आप सेलेक्ट करूंगा दो चीज़ें जो मुझे समझ आती हैं डे वन से उनको जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ था उस्मान बुजार साहब से हुआ था

तो डिफेंड नहीं कर सकता था। आप उसको डिफेंड को छेड़े दो मिनट वो बात नहीं कर सकते थे इसका नुकसान क्या हुआ? इमरान खान साहब इसका गलती बात है शोज में लिखा भी है आपकी पूरी नवाज लीग और पूरी आपके पोजीशन को अगर किसी ने खड़ा किया ना आपके एक फैसले ने किया है और उसका ब्लैक आपने मुसल दिफा करते रहे और वसीम अक्रम जैसे बड़े बॉलर को उसके साथ अटैच भी कर दिया है मतलब कोई बदला लेना था वसीम अक्रम से मुझे नहीं समझ